हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये 10th क्लास की इंग्लिश है और ये है सप्लीमेंट्री रीडर, और इसमें चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ओके, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लिए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, आपको किस तरीके से एग्जाम में मिलेंगे। देखिए ये बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, इनको आप याद कर लेना, समझ लेना। पहला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, हु का मतलब कौन, वॉज था ट्रिकी, ट्रिकी ट्रिकी कौन था। तो आ कैट एक बिल्ली थी, मंकी बंदर था, डॉग कुत्ता था, भाई रेबिट खरगोश था। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वो एक कुत्ता था, डॉग था। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखाई दिया, वह कैसा दिखाई दिया। तो देखिए जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो कैसा दिखाई देता है। डी वाला इसका करेक्ट है, डी वाला करेक्ट इसका ऑप्शन हुआ, क्योंकि वेरी फैटी, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था खा पी का, लाइक जैसे अ ब्लोटेड सोसेज, एक फूला हुआ जैसे समोसा होता है ना वैसा। तीसरा वाला समझे, तीसरा वाला क्या है कि एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर डॉक्टर डॉक्टर गेब लेकर चला गया ट्रिकी ट्रिकी को। देखिए क्लिनिक पर जो डॉक्टर था वो उस ट्रिकी को लेकर चला गया। अब वहां पर क्या करता है, उसको फ्रूट्स देता खाने के लिए, ये इंजेक्शन लगाता है, ये चॉकलेट्स देता है, तो उसको कोई भी खाना नहीं देता। सी वाला इसका करेक्ट है, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए कोई भी खाना उसको नहीं देता है, क्योंकि वो खाने की वजह से मोटा हुआ था। और चौथा वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें, वर्ड वॉज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की असली समस्या क्या थी। तो पहला ऑप्शन है फीवर, उसको बुखार था। दूसरा है मलेरिया, उसको मलेरिया हो गया था। तीसरा है मेलन्यूट्रिशन, उसको कुपोषण हो गया था। और डी वाला ऑप्शन है, उसको वॉमिटिंग हुई थी, उल्टी हुई थी, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड ज्यादा खाने से। और पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको समझें, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हु वॉज मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री कौन थी, हु वॉज मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री कौन थी। द मेड, मेड थी, केयर टेकर थी, नर्स थी, या मिस्ट्रेस मालकिन थी। तो डी वाला इसका करेक्ट है, मिस्ट्रेस वो मालकिन थी। छठा क्वेश्चन क्या है कि मिसेस पंफ्री, जो मिसेस पंफ्री थी वो जा, वो कैसी औरत थी, पुअर लेडी थी, सेल्फिश थी, रिच थी, या जेंटल लेडी थी। जो मिसेस पंफ्री थी वो रिच लेडी थी, अमीर औरत थी। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्या उसको समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, डेट ट्रिकी, ट्रिकी वॉज अ, ट्रिकी कैसा कुत्ता था, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, वेरी फनी, या ब्रेव एनिमल। तो वो था अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी चीजों में वो कोई भी रुचि नहीं लेता था, क्योंकि वो बीमार चल रहा था। देखिए आठवां क्वेश्चन दे रखा है, द नरेटर वॉज आ या एन, यहाँ पर जो बोला गया कि नरेटर, जो कहानीकार था, वो कौन था, पेंटर था, सिंगर था, एक्टर था, या वेटरिनरी सर्जन था। तो वो था एक पशु चिकित्सक, वेटरिनरी सर्जन, इसको बोलते हैं पशु चिकित्सक। नवा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझे, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी इटेबल्स, कितने दिनों के लिए उसको ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं दिया गया था, वो दिया गया था 2 दिनों के लिए। तो कितने दिनों के लिए ट्रिकी को कोई भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, मतलब पीने के लिए पानी दिया गया था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, तो वो था 2 दिनों के लिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि चौफेयर मीन्स, चौफेयर का मतलब क्या होता है, गार्डनर होता है, गार्ड होता है, ड्राइवर होता है, या चीफ होता है। तो वो था ड्राइवर, जो चौफर चलाता है उसको बोलते हैं ड्राइवर। और वो यार क्वेश्चन दे रखा है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान ऑफ डॉग, वो जो कुत्ता था, द डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर ने उसको क्या किया, ऑपरेटेड, डॉक्टर उसको ऑपरेटेड किया। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है उसको समझे, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, उस कुत्ते को बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कैप्टन आयोन, उस पर निगरानी रखी, द डॉग उस कुत्ते पर गिविंग हिम नो फूड, उसको खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, परंतु थोड़ा सा पानी दिया था पीने के लिए। तो सी वाला इसका करेक्ट है। बारहवा क्वेश्चन क्या है कि ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज इज ओनली फॉल्ट। तो ट्रिकी था उसको, वो टैकल अ मील, वो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था, एनी और एनी आर मतलब हर घंटे खाता रहता था, बिकॉज क्योंकि हिज ओनली फॉल्ट, उसके अंदर एक कमी थी, अट्रैक्शन की, हंगर की, विलिंगनेस की, ग्रीड की, मतलब वो लालची था, वो ज्यादा खाने का लालची था, इस वजह से ग्रीड थी उसके अंदर। 13वां क्वेश्चन क्या है कि इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म, ट्रिकी जो है बदल गया था इंटू अ लिथ हार्ड मसल, मतलब अच्छी मांसपेशियों में चेंज हो गया था। उसका सही वाला ऑप्शन है एनिमल, जानवर की तरह। ओके, तो ये पहले वाले के हैं। और दूसरे वाले के देखें, दूसरे वाले के क्या दे रखें, दूसरे वाला है चैप्टर आपका द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड इसके कौन है, राइटर है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि हु वॉज द राइटर, लेखक कौन है इन द स्टोरी, इस कहानी के, इस कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसको याद रखें, अजीत सिंह है, हरीश सिंह है, अनिल है, या कपिल शर्मा है। तो अनिल है, अनिल है। ओके, ये इसका
ऑप्शन गलत लगा हुआ है। तो इसका जो लेखक है, इसका जो कहानी का राइटर है वो है अनिल। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर, कहानीकार कौन है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का, द थी स्टोरी, द थी स्टोरी का। देखिए लेखक है अनिल और कहानी का कहानीकार है वो है आपका, वो है हरि सिंह, याद रखें हरि सिंह। देखिए अगर कहानीकार की पूछे, अगर कहानीकार पूछे तो हरि सिंह लगाएंगे, अगर लेखक पूछे तो अनिल लगाएंगे, इस बात को ध्यान पर रखना। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था ऑफ द शॉप, उस शॉप का, उस दुकान का इन जिसमें अनिल लिव्ड, अनिल रहता था इन अ रूम, एक कमरे के अंदर। तो वो था जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप, इसका सी वाला करेक्ट है। और नेक्स्ट वाला पढ़े, देखिए व्हाट डिड हरि सिंह, हरि सिंह ने क्या वांट, चाहा फ्रॉम अनिल, अनिल से, तो अनिल से वो क्या चाहता था, काम लेना, मनी पैसा लेना, इटावल्स खाने पीने की चीजें लेना, होम घर लेना, तो वो काम के लिए आया था। ओके, और उसका जो इरादा था उसको लूटने का था जब वो शुरू में आया था। पांचवा क्वेश्चन है, इन जिसमें प्रोफेशन, ये किस प्रोफेशन में दबा जो लड़का था वो ट्रेंड, वो ट्रेंड था मतलब परफेक्ट था, टाइपिंग, टाइपिंग करने में, थेफ्ट चोरी में, हाउसहोल्ड वर्क, घर के काम में, ये कुकिंग में, तो वो था थेफ्ट चोरी में, तो चोरी में वो परफेक्ट था, चोर था कौन, हरे सिंह। देखिए छठा क्वेश्चन है कि वेयर अनिल टक्ड द मनी, जो अनिल था वो कहाँ पैसा रखता था अपने को, वो रखता था अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, याद रखें मैट्रेस के नीचे वो अपने पैसे को रखता था। सातवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम, क्या समय था टू कैच पकड़ने के लिए लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस को, तो लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का क्या समय था, तो वो था, ठीक है, सातवा क्वेश्चन क्या करेगा उसको समझे कि व्हाट वाज द टाइम, क्या समय था टू कैच पकड़ने के लिए लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस को, तो 10:30 पर पीएम वो भी, या फिर 10:30 पर एएम। तो देख पोस्ट मेरिडियन इसका फुल फॉर्म होता है, तो रात के 10 बजे, 10:30 बजे उसको पकड़ने का सही टाइम था उसको, ट्रेन को, तो इसका ए वाला करेक्ट है। चलिए स्टार्ट, देखिए आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच मंथ, किस महीने में, इट वॉज हैपन, यह हुआ था, तो यह हुआ था नवंबर के महीने में, याद रखें। और नवा क्वेश्चन है कि अनिल बोस, अनिल कितने साल का था, 15 का, 30 का, 35 का, 25 का, तो वो था अनिल 25 का, याद रखें 25 साल का था, हरि सिंह था 15 साल का। दसवां क्वेश्चन क्या है, हु वॉज थीप, मतलब थीप कौन था, मतलब चोर कौन था इन द स्टोरी, इस कहानी में, द स्टोरी ऑफ द थीफ, तो हरि सिंह है जो 15 साल का लड़का है। ओके, और 11वां समझे क्या है, वहन द थीप, जब वो चोर अवक वो जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया था, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसको छोड़ के चला गया था, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसको धोखा दिया था, अनिल हैड मेड टी, अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने उसके लिए चाय बनाई थी, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 12वां समझे, 12वां क्या दे रखा है, 12वां क्वेश्चन है इसमें कि वहन द ट्रेन, जब वो ट्रेन हैड गोन द, देखिए वहन, जब द ट्रेन, वो जो ट्रेन थी, हैड गोन द थीफ, चोर को छोड़कर चली गई, फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, मतलब जो ट्रेन जो थी वो चली गई थी प्लेटफॉर्म पर से, तो उसने थीफ को, मतलब वो जो थीफ था उसने अपने आप को क्या करते हुए पाया, आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर पाया, अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के पास, या ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, एक सुनसान से प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर पाया उसने, क्योंकि तो ट्रेन तो चली गई है वहां पर, तो प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ रह गया था। तो सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्या है, एमसीक्यू है, दो चैप्टर के पढ़े हमने, दो चैप्टर के पढ़े हमने। और नेक्स्ट वाली वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके।